हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से इस्माइलाबाद के एक निजी पैलेस में किसान संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र से सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने हिस्सा लिया। सरदार संदीप सिंह ने कहा कि नया कृषि अध्यादेश किसानों के हित में है, विपक्ष के लोग जानबूझकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। नए अध्यादेश से किसानों को अपनी फसल ऊंचे दाम पर पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी होगी और वन नेशन वन मार्केट पॉलिसी लागू होने से किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल को ऊंचे दाम पर बेच सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी पहली सरकार है जिसने किसानों की पेंशन योजना किसान सम्मान निधि के नाम से शुरू कर उन्हें 6,000 सालाना पेंशन देने का प्रावधान तय किया। किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि सरकार फसल खरीदने से पीछे हट रही है, इसको लेकर क्या? देखिए, गुमराह करना लोगों का इसलिए होता है कि वो सरकार के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल सकें, लेकिन मैं आपको एक इतला कर देना चाहता हूँ, सभी मेरे किसान भाई, मेरे जिम्मेदार भाई, कि MSP नहीं बंद हो रही है। हमारा जो मंडियाँ हैं वो भी बंद नहीं हो रही है, क्योंकि एक ना कहावत है और एक पुरानी कमर्शियल एड भी थी कि अपनी अक्ल लगाओ। तो मैं भी आज यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी अक्ल लगाएं और जो सरकार आपको दे रही है, आप पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में कंपेयर खुद कर सकते हैं। आजकल आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि वो पहले क्या सुविधा दे रहे थे और आज हमारी सरकार, हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार क्या सुविधा दे रही है। मैं धन्यवाद करूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जो इतनी अच्छी अच्छी